हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए जो निषेचन किस तरह से होता है, दोहरा निषेचन क्या है और किस तरह से भ्रूण का निर्माण होता है और किस तरह से भ्रूणकोष का निर्माण होता है। फिर आपको दूसरा वीडियो लेक्चर बताए थे बीज के प्रकार में, यानी भ्रूणकोष के आधार पर बीज दो प्रकार के थे। तो आज हम आपको बताएंगे फल। अच्छा, ये फल की बात करते हैं। इस फल के बारे में कुछ कंसेप्ट सीखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे हम बात करें यहाँ से फ्रूट की बात करते हैं, यानी हम बात करें फ्रूट यानी फल की बात करें, फ्रूट की बात करें, सबसे पहले ये सीखेंगे ये जो फल है किसका रूपांतरण होता है। तो देखिए, आपको बताया गया था ये पुष्प का मादा जनन अंग है और मादा जनन अंग का ये रहा अपना अंडाशय। ये जो रहता है इसको बोलते हैं अंडाशय और इसके अंदर इस तरह से जो संरचना रहती है इसका नाम देते हैं बीजांड। यानी हम बोलें ये रहा अंडाशय और ये रहा बीजांड। अंडाशय की बात करें इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी और इसको बोलते हैं मतलब ओव्यूल। ये है क्या, ये जो अंडाशय है निषेचन के बाद यही अंडाशय अपना बदल जाता है, यही अंडाशय जो है ना चेंज हो जाता है फ्रूट के अंदर, यही बदल जाएगा फ्रूट में और ये बीजांड जो है ये बदल जाएंगे सीड में। इसका मतलब फ्रूट जो है यानी फल वो किसका रूपांतरण हुआ, अंडाशय का। और हम बीज की बात करें, बीज किसका रूपांतरण हुआ, बीजांड का। तो ऐसा ये हम सबसे पहले देखते हैं फल का निर्माण किससे होता है। तो हम कहेंगे साधारणतः फल का निर्माण अंडाशय से होता है। तो हम कहेंगे यहां से एक लाइन लिखेंगे, फल अंडाशय का रूपांतरण है। यानी हम बात करें फल जो है अंडाशय का रूपांतरण है। क्लियर है क्या, ये अंडाशय का तो रूपांतरण है। अब देखिए जरा, कंसेप्ट आपको बताया गया फल अंडाशय का रूपांतरण है, लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो अंडाशय से नहीं बनते हैं, अंडाशय के अलावा किसी और चीज से बन जाते हैं। यानी हम बात करते हैं यहां से, फिर हम बात करते हैं ये जो अपना फल है यानी फ्रूट। अब इसे ये डायग्राम मिटा देते हैं, आप लोग रुक करके वीडियो बना लीजिएगा इसको। अब हम बात करें ये जो अपने पास फ्रूट है, इस फ्रूट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस फ्रूट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम देते हैं ट्रू फ्रूट, एक का नाम देंगे ट्रू फ्रूट और दूसरे का नाम देंगे फॉल्स फ्रूट। यानी हम यहाँ से बात करेंगे ट्रू फ्रूट का हिंदी होगा सत्य फल और फॉल्स फ्रूट का हिंदी होगा अपना असत्य फल, असत्य या फिर आभासी या फिर मिथ्या फल। यानी हम बोलेंगे ये फल है लेकिन अंडाशय का रूपांतरण नहीं है। यानी हम बात करें जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो केवल अंडाशय से बनते हैं, हम बोलेंगे इसका रूपांतरण केवल अंडाशय के द्वारा होता है। यानी हम बात करें ये जो है अपना ट्रू फ्रूट, इसका रूपांतरण केवल अंडाशय के द्वारा होता है। और हम बात करें ये जो अपना फॉल्स फ्रूट है, ये फॉल्स फ्रूट का रूपांतरण अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग से, तो हम बोलेंगे यहां से अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन से। यानी देखिए यहां से फॉल्स फ्रूट का कंसेप्ट आया, फॉल्स फ्रूट का रूपांतरण जो होगा अंडाशय से नहीं होगा, अंडाशय के अलावा किसी भाग से हो जाएंगे। जैसे आप देखें संरचना में एक उदाहरण की बात करें, जैसे सेब की बात करें, यानी हम बात करें एप्पल, यानी एप्पल की बात करें यानी सेब,
सेब की बात करें, नाशपाती की बात करें, काजू की बात करें इत्यादि, ये सारे स्ट्रॉबेरी लिख सकते हैं इत्यादि। यानी ये सारे जो हैं आभासी फल के उदाहरण हैं। आइए इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे। जैसे देखिए, ये आपका पुष्प का वर्तिकाग्र हुआ, ये वर्तिका हुआ, और ये आपका अंडाशय हुआ, ठीक है ना। ये अंडाशय रहा, और अंडाशय के ये रहे बीजांड। अब देखिए यहाँ पर पुष्पासन है। अब क्या हुआ, ये पुष्पासन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पुष्पासन बढ़ते बढ़ते इस तरह से पुष्पासन खूब ज्यादा बढ़ करके, इस तरह से पुष्पासन बढ़ करके एक फल बना लिया। ये क्या बना लिया, फल। और देखिए इसके अंदर अंडाशय भी है, और साथ ही साथ ये जो है अंदर वाला, ये क्या है अपना बीजांड। अब जरा देखिए होगा क्या, जैसे आप सेब को खाते हैं, सेब को काटते हैं, तो खाने वाला जो पार्ट रहता है वो तो रहता है ये पुष्पासन। यानी हम बात करें, ये रहा अपना पुष्पासन। यानी हम बात करें सेब का खाने वाला जो भाग है वो किसका रूपांतरण है, पुष्पासन का। अब जरा देखिए उस पुष्पासन के आप अंदर जाएंगे, पुष्पासन को काटिएगा, खाने वाले फल को काटिएगा, तो अंदर में एक पन्नी के तरह हार्ड रहता है, करा रहता है आवरण, वो क्या है अंडाशय। यानी सेब के अंदर जाए तो अंडाशय कैसा होता है, करा, और उसके अंदर आप जाएंगे तो काले काले रंग का बीज होगा। क्लियर है क्या। यानी आप देखें इस तरह से ये पुष्पासन का रूपांतरण हुआ, और जिसका भी रूपांतरण अंडाशय के अलावा किसी भाग से होता है उसका नाम हम देते हैं फॉल्स फ्रूट, आभासी, मिथ्या, झूठा, असत्य फल। अब जरा देखिए सत्य फल की बात करें, इसका रूपांतरण कहां से होगा, अंडाशय का। जैसे इसका उदाहरण की बात करें, आम ले लीजिए, उसके बाद बैंगन ले लीजिए इत्यादि, जो भी लेना है ले लीजिए। एक आम का उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बात करें इस आम की बात करें, यहाँ पे इस आम में बात करें, और ये रहा उसका गुठली, है ना। तो अब देखिए इसमें पुष्पासन तो बस इतना ही रहा, क्लियर है क्या। ये इसका पुष्पासन डंटी, और ये पुष्पासन बाद, बाकी ये सारे क्या है, हम बात करें अंडाशय का रूपांतरण, अंडाशय का रूपांतरण। यानी हम बात करते हैं वैसे फल जिसका रूपांतरण केवल अंडाशय के द्वारा होता है ट्रू फ्रूट कहलाता है, और जिसका रूपांतरण अंडाशय के द्वारा नहीं होता है, अंडाशय के अलावा अन्य किसी भाग से होता है, उसका नाम हम देते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है ना। इस तरह से आपको हम ये फ्रूट बताए। अब जरा देखिए यहां से आपको हम बीज बता दिए थे, इंडोस्पर्मी बीज और नॉन इंडोस्पर्मी सीड, यानी भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, ठीक है ना। अब यहाँ से अब आगे आपको बताएंगे बहुभ्रूणता क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक आपको बताते हैं बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रायोनी। जरा देखिए यहाँ से अगला कंसेप्ट अब आता है बहुभ्रूणता। जरा देखिए यहां से हम बताते हैं आपको बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रायोनी। चलिए बहुभ्रूणता रहने दीजिए। अब देखिए बहुभ्रूणता में आप कंसेप्ट ढूंढिएगा, तो बहु का मतलब होगा एक से अधिक, एक से अधिक, और भ्रूणता का मतलब क्या होगा, भ्रूण। यानी हम कहेंगे वैसा बीज जिसके अंदर एक से ज्यादा भ्रूण होगा। आइए एक डायग्राम आपको बताते हैं। जैसे आप चने का डायग्राम देखेंगे तो चने में आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। ये देखिए चना का ये दोनों जो रहा, तो चना को सही कर देते हैं, ये दोनों जो चना का रहता है इसको बोलते हैं बीज पत्र, और ये जो रहा चने में यहां पर इसको बोलते हैं भ्रूण। इस डायग्राम में आप देख पाएंगे तो भ्रूण यानी इम्ब्रियो एक है, यानी इम्ब्रियो तो केवल यही ना है,
क्या इसको बहुभुर्णता वाले बीज बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। बहुभुर्णता कब बोलेंगे? आइए सीखते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी और देखिए। इस बीज का निर्माण कब हुआ था? जब इस तरह से डायग्राम आया था और हम बोले थे जो बीजांड का डायग्राम ये था अपना अंडकोशिका, ये निषेचन के बाद भ्रूण बना लिया था। लेकिन अब देखिएगा बहुभ्रूणता कैसे बनेगी। पहले इसको हम लिखते हैं, कहेंगे जब किसी बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो यह अवस्था बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी यहां पे आप क्या सीखे? आप सीखे कोई बीज उसके अंदर भ्रूण की संख्या एक से अधिक। आइए अब ये होगा कैसे। जैसे आप देखेंगे एक बीजांड की संरचना बनाए, तो एक बीजांड में आप देखे थे यहां पर अंडकोशिका थी, है कि नहीं? यहां पर प्रतिव्यसांत कोशिका थी, यहां पे सहायक कोशिका थी, और यहां पर केंद्रीय कोशिका यानी सेंट्रल कोशिका, यहां पे ध्रुवीय खंड। अब देखें इसके बाहर जो था ये था न्यूसिलस। ये जो आवरण बनाए ये है न्यूसिलस की कोशिका। ये सब क्या है भाई? ये रहा न्यूसिलस की कोशिकाएं। यानी हम कहेंगे ये है न्यूसिलस की कोशिका। अब देखिए न्यूसिलस की कोशिका जो होती है 2N होती है, द्विगुणित होती है। न्यूसिलस की कोशिका द्विगुणित होती है। वैसे भ्रूण का निर्माण निषेचन के बाद इससे होता था, लेकिन अब भ्रूण ये नहीं बनाएगा, अब जो है यही सारी कोशिका ये क्या बना लेंगी? अपने अपने साइड से ये सारे क्या बना लेंगी? हम बता देते हैं, भ्रूण बना लेता है। पहले क्या देखे थे? अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता था, लेकिन यहां पर हम देखें जो ये जो अपना न्यूसिलस की कोशिकाएं हैं यही भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो न्यूसिलस की एक कोशिका तो भ्रूण का निर्माण नहीं करेंगी, उसके अंदर बहुत सारी कोशिका होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 कुछ भी बना सकता है। यानी हम बात करते हैं इस तरह से, एक पॉइंट आ गया ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछा जा सकता है, आप हमें ये बताइए बहुभ्रूणता वाले बीज में भ्रूण का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपको ऑप्शन दे देगा अंड कोशिका, दूसरा सहायक कोशिका, तीसरा मतलब न्यूसिलस की कोशिका या न्यूसिलस, तो क्या जाएगा? न्यूसिलस की कोशिका या न्यूसिलस जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भ्रूण का निर्माण यहाँ पर न्यूसिलस के द्वारा किया जाता है। क्लियर है क्या? आपको ये चीज हम समझा दिए। अब जरा देखिए इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे आप देखे होंगे बड़ा वाला गागर नींबू खाए होंगे जो छठ में चढ़ाया जाता है, जिसको डाभ भी बोलते हैं, गागर नींबू जिसमें रस ज्यादा रहता है। गागर नींबू के बीज की बात करें तो उसका बीज कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। अब इस बीज में आप कभी कभी देखे होंगे, कभी कभार हम तो देखे हैं, इस बीज में आप देखे होंगे जनरली आप मक्के का बीज की बात करें तो मक्के के बीज में आप इस तरह से देखे होंगे, मक्के के बीज से केवल एक ही प्लांट निकलता है कि नहीं है? क्योंकि इसके अंदर भ्रूण एक था तो प्लांट एक ही निकला। फिर बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करें नींबू में, नींबू की बात करें इसमें एक से अधिक प्लांट बन जाएंगे। जैसे कि बात करें यहां से,
जरा देखिए, ये दोनों प्लांट एक दूसरे से जुटे हुए नहीं है, अलग अलग है। यहां पर एक पादप बना क्योंकि भ्रूण की संख्या एक थी, भ्रूण की संख्या एक थी, लेकिन यहां पर क्या है, हम बात करें भ्रूण की संख्या एक से अधिक है। यहां पे भ्रूण की संख्या एक से अधिक है, तो अब आप जरा ये सोचिए, क्या ये बहुभ्रूणता का उदाहरण हुआ? हुआ, ये बहुभ्रूणता का उदाहरण नहीं है। तो हम बात करें यहाँ पे बहुभ्रूणता का उदाहरण, फिर देखें इसी तरह के कंसेप्ट आप आम के कुछ वैरायटी में देख सकते हैं। तो हम बात करें नींबू परिवार, नींबू परिवार, देखिए नींबू परिवार का मतलब क्या, नींबू छोटका हो चाहे बड़का हो, कोई नींबू हो उसको नींबू परिवार में रखेंगे, और इसके लिए एक नाम दे देते हैं सिट्रस, सिट्रस कुल, ठीक है ना। और एक दूसरा उदाहरण इसका देते हैं आम, क्लियर है क्या? ये आपको हम बताए अभी बहुभ्रूणता। तो अगला वीडियो लेक्चर हम इससे आपको आगे बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग वीडियो देखते रहिए। हाँ, एक चीज़ और हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंटों के लिए बता दें, थोड़ा सा उनका वीडियो कम बना है, लेकिन अब हिंदी मीडियम वाले को तेज़ी से बनाएंगे, काफ़ी अच्छे से बनाएंगे, तो आप लोग लगातार पढ़िएगा, ठीक है ना। गुड बाय।